बेस के सबके लिए एक चेयर लगा। मनीष आगे आ जाए। खासियत ये है कि ये करीब 25 से 26 सालों से नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और सारंडा में जो नक्सलियों का शुरुआत है ये इस बंदे द्वारा की गई थी। जब सारंडा में कभी कोई नक्सल एंटर नहीं किया था, ये बंदा अकेले जाके इन्होंने वहाँ पे मास मूवमेंट का काम शुरू किया, लोगों का जन समर्थन वहाँ जुटाया और धीरे धीरे वहाँ पे फिर नक्सली मूवमेंट की शुरुआत की। सारंडा के शुरुआती फेजेस में जितने भी एनकाउंटर्स हुए, जिसमें कई सारे हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, इसमें हर एक एनकाउंटर में इसकी भूमिका रही है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इनका दिमाग हर एनकाउंटर के पीछे या हर घटना के पीछे रहा है। एक कुख्यात नक्सली है, इनको करीब 4 राज्यों की पुलिस, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार, करीब 5 राज्यों की पुलिस इसको तलाश रही थी। आंध्रा और तेलंगाना पुलिस के भी रडार पर यह व्यक्ति था। एक पार्टी फॉर्मेशन में काफ़ी सीनियर लीडर के रूप में इनकी पहचान है और इनका सीसी मतलब सेंट्रल कमेटी मेंबर में भी एलिवेशन की बात चल रही थी। किसी आंतरिक कारण की वजह से सीसीएम में इनका प्रमोशन फिलहाल नहीं हुआ था, परंतु ये एक सीसीएम मेंबर होने के पद का एक प्रबल दावेदार था। साथ ही इनकी पत्नी जो खुद 1993 से नक्सल मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है, खास करके जो नारी मुक्ति से संबंधित जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नक्सल ऑर्गेनाइजेशन की जानी जाती है, इससे ये जुड़ी हुई है। करीब ये भी 25 सालों से इस मूवमेंट में कार्यरत है। इन लोगों की शादी करीब 2006 के आसपास हुई थी और 12 साल से ये मूवमेंट में रहते हुए शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। अभी फिलहाल धनबाद में ये अपना इलाज कराने के लिए आए थे। गुप्त सूचना हम लोगों को मिली कि ये आए हुए हैं, उसी आधार पे हम लोगों ने इनको हिरासत में लिया और पूछताछ करने के बाद पुष्टि हुई कि ये दोनों नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये बीजे सैक मेंबर है, प्रभाकर टुडू उर्फ राजेश संथाल। बीजे सैक पर बाय डिफॉल्ट 25 लाख का इनाम होता है और जो इनकी वाइफ है ये स्टेट कमेटी मेंबर है, तो इनके ऊपर भी करीब 15 लाख के आसपास का इनाम है। कुल मिला के दोनों के ऊपर का इनाम की राशि 40 लाख के आसपास हो जाएगी।